इतना इजीली खुल गया, ऐसे करते खुल गया। अच्छा ये डब्बा क्या है, इसमें कुछ है? कुछ है? ओपन जगह देखना पड़ेगा। सिलाई सिलाई की चीजें हैं इसमें। क्रेज, यू नो क्रेज इज अ क्रेज, अरीज एंड रानी। रानी नेक्स्ट इज चोकी चोकी। नाम कितना मजेदार। चोकी चोकी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेके बैठ गए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो पता है क्या है ये सब? ये सब है यूएई के मोस्ट फेमस स्नैक्स। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे टॉप 10 यूएई स्नैक्स। यूएई बोलिए, दुबई या गल्फ, जो भी है गल्फ कंट्री, यहाँ के कुछ फेमस स्नैक्स हैं, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं यहाँ के चिप्स। तो देखिए दोनों चिप्स बहुत ही फेमस है, ये है ओमान चिप्स और वो है एमिरेट्स पोफा की। तो हम लोग बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो अगर आप गल्फ में रहते हैं या आप गल्फ में आ रहे हैं, तो ये जो स्नैक्स में हम लोग दिखा रहे हैं, ये डेफिनेटली आप लोग ट्राई करें। और वीडियो के लास्ट में आपसे बोलेंगे हमारे पसंद का टॉप 3 स्नैक्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए टॉप 3 स्नैक्स जानने के लिए। तो देखिए कितना इजीली खुल गया। चलिए पहले टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। तो ये है बहुत ही थिन सा एक पोटैटो चिप्स। चाकू का निशान बना इसमें, पता नहीं क्यों। ये जो है पुफा की ना, क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी है, अमेजिंग। ओवन बेक्ड, तो इसको रोल में भी डालते हैं, पता है बहुत लोग यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो रोल में भी डाल के इसको रोल में खा लेते हैं, क्योंकि इतना क्रिस्पी है, बहुत अच्छा है। ये देखो, इसका फ्लेवर है चीज, सच में एकदम चीजी लग रहा है। तो मस्ट ट्राई अगर आप दुबई आ रहे हैं या दुबई में हैं, ये दोनों चिप्स मस्ट ट्राई। जाएंगे नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है अपना क्रोसेंट। क्रोसेंट यहाँ पे बहुत टाइप्स के क्रोसेंट मिलते हैं, मतलब जो फिलिंग होती है इसकी, वनीला चॉकलेट, बहुत 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 वैरायटी है। तो अगर आप दुबई में हैं या आ रहे हैं तो क्रोसेंट इज मस्ट ट्राई। यहाँ पे बहुत सारे क्रोसेंट मिलते हैं, बटर क्रोसेंट है, चीज़ है, और ये जो है ना बहुत ही फेमस है यहाँ पर। तो ये आप ट्राई करें। ये खोलने वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का हर, मतलब पैकेजिंग कितना मस्त है यहाँ का, मतलब आराम से खुल जा रहा है, मतलब ऐसे 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 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से खोलिए निकालिए। मेरे पास भी एक है मगर मैं ट्राई नहीं करने वाला आज। क्यों? ये जो है चॉकलेट क्रोशेंट है, इनसाइड इसका चॉकलेट फीलिंग है। चलो शेयर कर लेते, क्योंकि बहुत बड़ा साइज है ये, इसलिए चॉकलेट का टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है ना। अमेजिंग, फ्रेश क्रोसेंट, बहुत फ्रेश मिलेगा। अच्छा ये डब्बा क्या है, इसमें कुछ है ओपन जगह देखना पड़ेगा। सिलाई की चीजें हैं इसमें। ये डब्बा देखते ही क्या याद आता पता है, बचपन में मम्मी लोग क्या रखते थे इसमें, सुई धागा मिलता था अक्सर ऐसे कुकीज के बॉक्स में, राउंड बॉक्स में। तो इसमें पता नहीं, खोल के देखते हैं इसमें क्या है। इट स्मेल्स लाइक हेवन, ना सुंदर स्मेल आ रहा है सही में, बटर कुकीज। ये जो है कुकीज का डब्बा है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत किस्म के कुकीज हैं, जो कि यहाँ पे बहुत वैरायटीज ब्रांड में मिलता है, बहुत सारे ब्रांड में मिलता है। ये चॉको चिप्स लगा हुआ रहता है, ये डिजाइन देखिए कितना अच्छा है, बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे होता है, आप देख ही सकते हैं। नॉर्मल ये प्लेन डिजाइन के ऊपर बहुत सारे, और एकदम फ्रेश एंड क्रिस्पी, एकदम माउथ में मेल्ट हो जा रहा है, एकदम
मुंह में डालते ही मेल्ट। अब जूस ट्राई करें। बहुत तूतीज हो गया, अभी थोड़ा सा। तो ये मैं पास से दिखाती हूँ, ये है अरीज। यहाँ का क्रेज, क्रेज, यू नो क्रेज इज अ क्रेज, अरीज अरीज एंड रानी रानी। आप गल्फ में अगर आते हैं ना, कोई भी गल्फ कंट्री में, ये जो है रानी जूस, इसे क्रेज। यहाँ पे हर कोई बंदा कुछ भी होता है एक जूस पी लेता है, ऐसा सेक करने का है ये जूस को, क्योंकि ये जो है इसके अंदर मैंने लिया है पाइनएप्पल जूस, तो इसके अंदर पाइनएप्पल रानी फ्लोट, इसका नाम है रानी फ्लोट, रानी फ्लोट, क्योंकि इसके अंदर पाइनएप्पल के पीसेस, जो भी फ्लेवर के लेंगे उस फ्रूट के पीसेस इसमें फ्लोट कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें रहता है, लाइक पीच रहते हैं और मैंगो रहते हैं, पर ये चीज बढ़िया है। यहाँ पे हर चीज में देखिए, चिप्स बोलो या जूस बोलो, यहाँ खोलने का तरीका बड़ा मस्त है। ये कितने इजीली खुल गया, देख के लग रहा था ये ऐसा पैकेट है, खुलेगा कैसे। अभी से पाइनएप्पल जो है मुंह में आना चालू हो गया। ये भी कितना अच्छा लग रहा है, इसमें मतलब रिफ्रेशिंग। दोनों को अगर मिला के भी पिया जाए, दोनों पाइनएप्पल है, दोनों को मिक्स करके भी पिया जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये हो गया यहाँ का मोस्ट फेमस जूस। जूस मोस्ट फेमस, रानी, रानी मतलब अरीज एंड रानी, अरीज एंड रानी। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी गल्फ कंट्री में, रानी इज अवेलेबल। ये देखिए क्या है, चीज स्लाइस होता है, चीज क्यूब होता है, ये चीज ट्रायंगल है, चीज ट्रायंगल, इसीलिए ऐसे गोल डब्बे में है। इसको मैं खोलती हूँ। कोई भी गल्फ कंट्री में आता है ना, वेट बढ़ जाता है, क्यों मालूम है, क्यों, दिस इज द रीजन। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल, छोटा छोटा चीज रहता है, और ये इतना अच्छा टेस्ट रहता है ना, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, नॉर्मली खा सकते हैं हम लोग तो। ये है ट्रायंगल, चीज ट्रायंगल, खा लेते हैं कि गरम खा लो, जैसे मैं खा रही हूँ अभी, ऐसे आप खा सकते हैं, लाइक इसलिए यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट गेन होता है सबका। तो चलो, वेट पे ध्यान मत दो, कहीं हैं तो नई नई चीज़ें ध्यान ट्राई करनी चाहिए। ये देखिए चिप्स, अगर खाएं ना अमेजिंग लगता है। कितना अच्छा लग रहा है चिप्स के साथ खा कर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है मोस्ट फेमस लबान। ये क्या होता है, ये गल्फ कंट्री में ना, अभी जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, पसीना बहुत निकलता है, और जब ये सिचुएशन नहीं होता है तो वो टाइम पे ये जो लबान होता है, ये लाइक यू नो इस वर्क एज अ मेडिसिन, ये मेडिसिन जैसा काम होता है, कम से कम आपका जो मेन गर्मी का टाइम है निकल जाएगा। तो ये पीते भी है, ये जो है ना यहाँ पे गर्मी का टाइम में सब जगह में कंपलसरी कर दिया जाता है, काफी हेल्दी है, मतलब गवर्नमेंट जो है यहाँ का 12:30 जो है बाहर साइड ओपन काम करना मना कर देता है, ये गर्मी के टाइम पे 12:30 to 3 आप बाहर काम नहीं कर सकते, और ये जो है लबन वगैरह ये कंपलसरी होता है। तो हम लोग जैसे फैक्ट्री में काम कराते हैं, काम करते हैं, तो वो टाइम पे ये लबन जो भी है कंपलसरी दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कीजिए, तो चलिए नेक्स्ट है गल्फ। तो गल्फ में अगर जब नाम उठता है वो होता है ड्राई फ्रूट्स, ये सबको मालूम है, यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट छोड़ के और कुछ है नहीं, यहाँ पे खाना बोले तो ड्राई फ्रूट्स ही होता है, स्नैक्स मतलब विदाउट ड्राई फ्रूट इट इज इम्पॉसिबल। फ्रूट ट्राई कीजिए, सॉल्टेड ही ज्यादा हम लोग पसंद, सॉल्टेड काजू हम लोग को बहुत पसंद है, रोस्टेड काजू। तो चलिए चोकी चोकी, नेक्स्ट इज चोकी चोकी, नाम कितना मजेदार, चोकी चोकी, वॉन्ट चोकी चोकी। तो ये है मोस्ट फेमस चॉकलेट, अभी तो बहुत चॉकलेट्स आ गए हैं, पर दुबई किड्स से अगर पूछे तो यहाँ के बच्चे भी जानेंगे चोकी चोकी, जो अब बूढ़े हो गए हैं यहाँ पे, वो लोग से भी अगर पूछे कि आप बचपन में चोकी चोकी खाएं तो बोलेंगे हाँ खाए हैं। तो ये बहुत ही पुराना और मोस्ट फेमस ब्रांड है यहाँ का गल्फ का।
चलिए खोलते हैं। ये मेन क्या अंदर में इसके चॉकलेट पेस्ट है। खाना भी शुरू कर दिए। अच्छा यहाँ पे कट भी लगा हुआ है पहले से ही, तो कोई हाँ कितना मतलब आराम कर देते हैं ये लोग, काम एकदम कम कर देते हैं। एकदम खाली होने तक मैं थोड़ा सा रख देती हूँ, बाद में मजे ले लेके खाऊंगी। मैं हो गया। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं डार्क चॉकलेट, जो कि चॉकलेट है प्लस हेल्दी ऑप्शन भी है। तो ये डार्क चॉकलेट जरूर ट्राई कीजिए यहाँ का। यहाँ पे बहुत वैरायटीज आपको चॉकलेट मिल रहा है, बहुत वैरायटीज। मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी मैंने जैसे चॉकलेट चॉकलेट खाया वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर में है। मतलब डार्क चॉकलेट जैसा होता है, एकदम एकदम प्योर, मतलब पूरा जैसे कड़वा डार्क चॉकलेट, मतलब कि कड़वापन रहेगा, एकदम कड़वापन है, लग रहा है एकदम प्योर है, बहुत अच्छा है। पर इधर माउथ मेल्टिंग है एकदम, तो मुंह में डालते ही मेल्ट। अच्छा टॉप थ्री स्नैक्स हमारे पसंद के, अगर मैं पहले तुम बताओ टॉप थ्री स्नैक्स। मेरा यहाँ का टॉप थ्री जो स्नैक्स आएगा, सबसे पहला तो चॉकलेट एंड ड्राई फ्रूट्स। देखिए ये तो टॉप थ्री, एक और बताना पड़ेगा। चॉकलेट एंड ड्राई फ्रूट इज माई यू नो बेस्ट एंड बेस्ट स्नैक्स यहाँ का। ये छोड़ के मैं अभी सभी स्नैक्स अच्छे, मैं इसको कौन सा हाँ करूँ कौन सा ना करूँ, तो तीसरा जो रानी। क्योंकि तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय, टेक केयर। और किस पे व्लॉग बनाना चाहिए, हम लोगों को क्या देखना चाहते हैं आप यूएई का, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और सेफ रहिए। एंजॉय करते हैं बाकी का स्नैक्स और हम लोग आप बने रहें। बाय बाय।